अब खबर आपको दें कि तहरीक इंसाफ ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त का मामला, साबिक एनपीए नबीला हाकिम अली भी मैदान में आ गई हैं। नबीला हाकिम अली ने इमरान खान को खत लिख दिया है जिसमें तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जैसे जैसे सियासी मामलात आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्शन करीब आ रहा है और टिकटों की तकसीम की जा रही है, वैसे वैसे इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, तहरीक इंसाफ ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त के मामले में भी इख्तलाफात सामने आए हैं। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की रहनुमा नबीला हाकिम अली जो है इस हवाले से वो मैदान में आई हैं और उन्होंने चेयरमैन इमरान खान को एक खत अरसाल किया जिसमें उन्हें बताया गया है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की बतौर रुकन पंजाब असम्बली और बतौर कारकुन जो है वो 5 साल में एक भरपूर जिद्दोजहद की कंपेन चलाई, लेकिन उनकी मखसूस नशस्तों की फहरिस्त में उनका नाम ही नहीं शामिल। जबकि वो जनरल इलेक्शन लड़ना चाह रही थी तो क्यादत की तरफ से उन्हें रोका गया कि आप जनरल इलेक्शन ना लड़े, आपको स्पेशल सीट पर लाया जा रहा है। तो ना तो स्पेशल सीट पे नाम दिया गया, ना ही दूसरी लिस्ट में नाम आया और इस तरह वो इस सियासी अमल से बाहर हो गई है। इस्तदा की गई है कि इस मामले को दोबारा अदालत में चैलेंज करके पीटीआई जो है इस बात के लिए कोशिश करे कि इलेक्शन कमीशन में। लियाकत अंसारी।